सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार जीपीएस को तो खैर हम सभी यूज करते हैं रोजाना, पता नहीं कितनी बार हमको जरूरत पड़ जाती है नेविगेशन की, लेकिन क्या आप जानते हैं ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस के बारे में? हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। मतलब यार दिन में कितनी बार ऐसा हो जाता है कि हम बोल देते हैं कि यार मेरे को अपनी लोकेशन भेज, या फिर हम भैया बुक करते हैं अगर कोई कैब वगैरह, या फिर हम नॉर्मली कहीं अगर चलते हुए जा रहे हैं तो हमको दोस्तों जरूरत पड़ जाती है नेविगेशन की। और ऐसे में कभी कभी पंगा क्या निकल के आता है ना कि लोकेशन हमारी एक्यूरेट नहीं होती है। कई बार हम जा रहे हैं रोड के ऊपर तो भैया वो बगल वाली पैरेलल लेन के अंदर समझते हैं हमारी गाड़ी है और हमको राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है दोस्तों, जो भी है। या फिर कई बार अगर हम कहीं शहर में हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो ऐसे में हमको खुद को ही नहीं मालूम चल पाता है भैया कहीं हम सड़क के इस कोने पर है कि उस कोने पे हैं। बिकॉज़ यहां पे दोस्तों कई बार तो एक्यूरेसी और कई बार इनफैक्ट जो पूरी पोजीशनिंग है वो भी हमारी गलत हो जाती है। और ऐसे में मतलब अब क्या कहना, टेक्नोलॉजी को इसी तरीके से है। लेकिन क्या आप जानते हैं ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस के बारे में? इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे मैं कोई ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो मार्केट में अभी तक है नहीं। इनफैक्ट लास्ट ईयर दुनिया का पहला स्मार्टफोन था शाओमी का मी 8, जिसमें हमको मिला सपोर्ट ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस का। और ऐसे में दोस्तों उसके बाद में और बहुत सारे ऐसे फोन अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों चाहे वो ओप्पो का रेनो 10X जूम हो, चाहे वो वन प्लस 7 प्रो हो, चाहे वो ऑनर का ऑनर 20 प्रो हो, जहां पे हमको मिल जाता है सपोर्ट ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस का। अब दिमाग सवाल ही आता है ना कि आखिर ये चीज क्या भैया, ऐसा क्या मेरा फोन जादू कर दे रहा है जिससे शायद मेरे को और बेहतर मिल जाएगा एक्सपीरियंस जब भी मैं काम में लेता हूं नेविगेशन सर्विसेज को। तो यहां पर दोस्तों आपको अगर ये बात तो मालूम होगी ही कि नेविगेशन के लिए दुनिया में बहुत सारे तरह तरह के सिस्टम्स अवेलेबल हैं। ऐसे दोस्तों यहां पे हमारे पास में है यूएस की तरफ से आने वाला जीपीएस, उसके बाद में दोस्तों यहां पे रशिया का ग्लोनास, यूरोप का है दोस्तों यहां पे गैलीलियो, चाइना का है बैडू, मतलब बहुत सारे दोस्तों ऐसे अवेलेबल है सिस्टम्स। लेकिन अब ऐसे में ये ड्यूअल फ्रीक्वेंसी का पंगा क्या है? यहां पर दोस्तों होता ये है कि जो सैटेलाइट्स हैं ऊपर अंतरिक्ष में, वहां से वो सिग्नल्स नीचे भेजती हैं। अब ऐसे में दोस्तों जो अलग-अलग सिस्टम्स हैं ये अलग-अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेस के अक्रॉस काम करते हैं। और होता ये है ट्रेडिशनली, अगर आपसे बात करता हूं नॉर्मल अगर हम काम में लें किसी नेविगेशन सिस्टम को, तो यहां पे कई बार जो है वो हमारा फोन इतने ठीक तरीके से ये जज नहीं कर पाता है कि जो भैया सिग्नल आ रहा है सैटेलाइट से उसका शॉर्टेस्ट टाइम कौन सा है, बिकॉज सिग्नल्स बहुत बार ओवरलैप वगैरह कर जाते हैं। तो मतलब जो इनफैक्ट हमको हमारी पोजीशनिंग में मिलती है वो मिलती है लेट से 5 मीटर के अंदर अंदर, मतलब 5 मीटर मतलब सड़क के इस पार या उस पार कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे कई बार दोस्तों प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। लेकिन ड्यूअल फ्रीक्वेंसी में क्या किया गया है कि यहां पर दोस्तों जो मोबाइल डिवाइस है उसमें 2 रिसीवर्स लगा दिए गए हैं ताकि वो 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स के अक्रॉस एक साथ काम कर पाए। और यहां पर दोस्तों जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसके चलते ये जितने भी सिस्टम्स है, फिर चाहे वो जीपीएस हो, चाहे वो ग्लोनास हो, चाहे वो गैलीलियो वगैरह हो, वो सभी ड्यूअल फ्रीक्वेंसी बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि जो सैटेलाइट भैया अंतरिक्ष में है वो कौन से जमाने की है, बिकॉज उस सैटेलाइट का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अब जीपीएस की बहुत सैटेलाइट्स काफी पुरानी हैं तो वो खैर सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन बहुत सारी सैटेलाइट्स अभी ऐसी हैं जो दोस्तों सपोर्ट करती हैं 2 अलग अलग बैंड्स को। और उसके चलते होता यह है क्योंकि मोबाइल फोन में पहले जो मोबाइल फोन में नहीं हुआ करती थी, यहां पर दोस्तों हम काम में इसको लिया करते थे और ऐसे एप्लीकेशंस के लिए जहां पे हमको परफेक्ट पोजीशनिंग की जरूरत है। लेकिन क्योंकि दोस्तों ब्रॉडकॉम ने एक स्पेशल मोडम बनाया जो कि काफी लो पावर कंज्यूम कर रहा था और ये यूज किया गया शाओमी के मी 8 में, तो मोबाइल फोन में भी क्योंकि ड्यूअल रिसीवर्स हो गए हैं जो 2 फ्रीक्वेंसीज को एक साथ रिसीव कर सकते हैं, तो उसके चलते अभी फायदा क्या है? फायदा यह है कि पहली बात तो जो हमारा जीपीएस लॉक होता है, मतलब जब हम पहली बार फॉर एग्जांपल अब गूगल मैप्स खोलें और गूगल मैप्स को बता दें पक्का लॉक करके पिन पॉइंट कि भैया ये हो तुम धरती के ऊपर बैठे हुए, तो वो दोस्तों टाइम बहुत ही कम लेगा। उसके अलावा एक बार अगर लॉक बन गया तो उसको मेंटेन करना, मतलब आप कहीं रोड पे चल रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर में हैं, कहीं आप सिटी में दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं, तो मतलब उसको जो एकदम प्रिसीजन है वो हमको काफी अच्छा मिल जाएगा ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस के बाद में। तो मतलब ये एक अच्छी बात है जहां पे, क्योंकि दोस्तों मोबाइल फोन में शुरुआत हुई इसकी मी 8 के साथ में, लेकिन आप जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी कितना तेजी से आगे बढ़ती है, तो ऐसे में स्नैपड्रैगन 855 जो है वो तो क्लियरली सपोर्ट करता है। हाँ, लेकिन स्नैपड्रैगन 855 वाले सभी फोन में हम
हमको ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर दोस्तों बहुत सारे भी जो नए फोन आ रहे हैं हमको ऑप्शन मिल जाता है ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस का। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जो बैटरी लाइफ है ना वो थोड़ी सी हमको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, बिकॉज हम दोस्तों दो दो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं, तो उसके चलते जो बैटरी की खपत है थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। लेकिन चीज अपने आप में बड़ी कमाल की है, मतलब ये ऐसा फीचर नहीं है जिसको आप मतलब हो कि ना हो तो मोइकोर ब्रेक वाली बात है मोबाइल फोन में, लेकिन अगर हो तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज हम दिन में यार कितनी बार तो गूगल मैप्स खोल लेते हैं, कितनी बार हम किसी को अपनी लोकेशन भेजते हैं, या हम ऐसे ही चाहे कुछ अगर सर्विसेज यूज करते हैं कई बार तो हमको लोकेशन पड़ जाते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर दोस्तों ये एक बड़े काम की चीज है जहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो आपको मतलब मैं बोलूंगा कुछ सेंटीमीटर्स के अराउंड, मतलब कुछ 1, 2, 3, 5 feet के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको प्रिसाइजली लोकेट कर सकता है और ऐसे में मेंटेन कर सकता है उस लॉक को। तो ये है कुछ कहानी ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस की, जहाँ मोबाइल फोन में मल्टीपल रिसीवर्स हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए, और उससे पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो ये है कुछ मेन कहानी अभी। हालांकि ये फोन अगर अभी आता तो आप जानते दोस्तों मार्केटिंग कितनी ज्यादा होती है, तो मतलब सब तरफ चर्चा होता है ड्यूअल फ्रीक्वेंसी। आज की डेट में ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बिकॉज ये प्रोसेसर नहीं है, ये डिस्प्ले नहीं है, ये कैमरा नहीं है, ये बैटरी नहीं है, और बातें तो आप जानती हैं कि इन्हीं चीज़ों के बारे में होती है। लेकिन यहाँ पे अपने आप में टेक्नोलॉजिकली काफ़ी अच्छा एडवांसमेंट है, अगर आपसे बात करता हूँ ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस का। और आगे चल के ये बजट फोन्स या मिड रेंज फोन्स या और बहुत सारे डिवाइसेज में आने वाला है, जिसके चलते हमारा जो कम्प्लीट एक्सपीरियंस है, या फिर दोस्तों आपसे बात करता हूँ कुछ अगर गूगल की सर्विसेज को लेके जो कि लोकेशन डिपेंडेंट होती हैं, या अगर आपसे बात करता हूँ इनफैक्ट अगर एआर या वीआर की भी, तो उसमें भी अगर हमारे डिवाइस में ड्यूअल जीपीएस है तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है दोस्तों। बस फिलहाल भी इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और मुझे बताइए जरूर कि क्या आपके फोन में ड्यूअल जीपीएस है क्या। आप जो है वो जीपीएस टेस्ट नाम की एक ऐप को डाउनलोड करने के बाद में चेक कर सकते हैं ये। वहाँ पे अगर आप जाएंगे सैटेलाइट्स की लिस्ट में, अगर आपको L5 या E5S वगैरह कुछ दिख रहा है वहाँ पे, इसका मतलब आपके फ़ोन में भैया वो कैपेबिलिटी है कि वो दो दो फ्रीक्वेंसी बैंड्स को एक साथ रिसीव कर पा रहा है। खैर लेटेस्ट फोन्स में बहुत सारों में है, बहुतों में नहीं भी है, लेकिन ये है कहानी ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस की। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।